संभल के बोलना पड़ेगा, मतलब है नहीं 100 लोग देख रहे हैं। हाँ 100 ही लोग देख रहे हम तो हैं। 4 में इतना कॉन्शियस हो जाते हैं। 100 लोग भाई, हमारा तो थिएटर में, पृथ्वी थिएटर में 100 लोग आता, फुल हो जाता है, वो हाउसफुल है ये शो। निशांत भाई, आपने मुझे मैसेज किया है। ओ लॉल, सॉरी। नो वरीज। क्या मैसेज कर दिया आपने? अरे कुछ सामान मंगवाना था मेरे रूम तो से। मुझे इसके रूम से तो मुझे मैसेज कर दिया, मेरे रूम से जरा ये लेके आना करके। बोला मैं अलग शहर में हूँ। मैं नींद में। हाँ हाँ मैं ला देता पर मैं हूँ नहीं। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। टुडे वी हैव राइडर ओपी, सब्सक्राइबर शायर, एंड वेलकम टू न्यू मेंबर ऑफ द पैनल, गोपाल सर। वेलकम वेलकम गोपाल सर, आपके लिए नाम चुनना पड़ेगा, एक ऐसा नाम जो प्लीज ईआर से एंड होता है। ओ जैक, कोई एनी एनी सजेशंस फॉर गोपाल सर? राइडर प्रोवाइडर, आई थिंक वी कैन जस्ट कॉल हिम गोपाल सर। नहीं ईआर नहीं है उसमें, साइडर। मैं नाम प्रपोज कर रहा हूं साइडर, क्योंकि उनके आने के बाद सब लोग साइडर रहते हैं। आई लाइक इट, वेरी नाइस। साइडर आल्सो अ वेरी नाइस ड्रिंक दैट आई लाइक टू हैव। यस, और मैं फ्लेवर्स के साथ आऊंगा, एप्पल साइडर, पाइनएप्पल। ऑलराइट, लेट्स बिगिन गाइस, वन सेकंड, लेट मी कनेक्ट एवरीवन्स फेसेस हियर। Sorry, one second. Perfect. We are good to go. Chat, everything's okay. Cider rupee. Welcome. Yeah. All right, let's start. एक second. Record. On that note. शुरुआत करते हैं. Sir, we are again, today we are appreciating how savage Pakistanis are. Yes. And I have dreams that one day we will do competition between who's more savage, India or Pakistan. But we will get to that eventually. आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग कितने सैवेज है। शुरुआत करते हैं, मुझे बेबीज नहीं चाहिए। डायरेक्ट okay. बड़े बच्चे चाहिए आपको। आई वॉन्ट टू नो वॉट सेक्शुअल पोजिशन लीड्स टू चाइल्ड बींग बिग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जेन्युइन कस्टमर सर्विस वाला सवाल है कि सर ये तो नहीं चाहिए था, कोई ये भी है, बताइए कैसे कर, आप बताइए। नहीं, मुझे लग रहा है ये है लेजी एस फक, मतलब इसको वो बचपन का झंझट नीचे सीधे पड़े। आई वांट टीनेज एंग्स्ट डायरेक्टली, करेक्ट सर। ये अगर आपको पता हो तो माइथोलॉजी का एक यहाँ पे रेफरेंस मैं यूज करना चाहूंगा। हाँ ठीक है। तो रावण जो थे उन्होंने अपने बेटे मेघदूत के लिए ये ऑप्शन चूज किया था। अच्छा, स्किप करो जी बचपन, सीधे आओ। मेघनाथ 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 मेघदूत बोल दिया मैंने, सॉरी सर। रावण और उनके बेटे मेघनाथ के लिए उन्होंने ऑप्शन चूज किया था सर, बिकॉज आई एम क्लूलेस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस जोक अबाउट इंडियन माइथोलॉजी। सर, देयर इज नो जोक, इट्स जस्ट अ रेफरेंस। इट्स जस्ट अ रेफरेंस, ओके ओके ओके। इज इट अ फैक्ट? आई डोंट नो, इट्स अ मिथ। आई एम स्पीकिंग टू मम्मी एट 5 पीएम टुडे, आई विल क्लेरिफाई विद हर। Eventually accurate or not. All right. पर यहाँ पे sorry, I want to comment on this one. यहाँ पे एक बहुत clear है कि जिसने मना किया है ना, हाँ, दूसरे ने भी अपना, पहले वाले ने अपनी पोजिशन बहुत हार्शली रखी है कि I don't like babies. ठीक है। दूसरे बंदे ने भी अपनी पोजिशन बहुत हार्शली रखी कि I am in it for the babies. You decide which baby you want. हाँ. As long as baby is being committed, we are okay. हाँ. हाय हाय, क्या कर रहे हो? ओ, इसका मतलब क्या कर रहे हो होता है? या भाई यार, तेरे को पता है ये के आ रहे गोपाल सर, उसने भी पूछा, उसने पूछा है, वाज इट यू गोपाल सर? एनीवे, मतलब क्या कर रहे हो, मतलब अवसाब्र ये क्या है? अभी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, असाइनमेंट बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये जो भी है इनको मेरी 100 रुपए का इनाम मेरी तरफ से। सर, व्हाट इज द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ टिट फॉर टैट? दिस इज दैट।
भाई ये अपना अपनी लैंग्वेज बना रहा है उधर पाकिस्तान में बैठ के, आने वाले दिनों में अपना इसका एक ग्रामर होगा। ये शुरुआत बॉलीवुड से हुई थी ना, ये DDLJ और ये वहां से ये उसे बहुत आगे ले गए। या दिस इज कुछ कुछ होता है विद अ टाइपो, अरे जनता जो रिपीट बोले, कल रात को 4 स्लाइड देखे थे मेरी 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 जान, आज हम आगे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने आपका कमेंट देखा था सोलार की पोस्ट पर, आपको सोलार सिस्टम लगवाना है। अरे नहीं जानी, बस वो कमेंट कर दिया था ताकि रिश्तेदार देखे कि पैसा बहुत है मेरे पास। इट्स जस्ट सिग्नलिंग गाइस, इट्स जस्ट अ सिग्नल। प्यार से आराम से जानी वानी बोल देते हैं ना, जो हम मूवीज में देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। जानी जानी इंग्लिश से जानी राजकुमार साहब। हाँ हाँ राजकुमार, तो भी जानी गोपाल भाई करके दिखाया ना, गोपाल भाई प्लीज करके दिखाना। जानी बस वो कमेंट कर दिया था ताकि रिश्तेदार देखे कि पैसा बहुत है मेरे पास। जानी इनबॉक्स में 100% ऑनेस्ट है इंसान। 2 दिन से UAE का झंडा लगाया था बायो में, पैलेस्टाइन का समझ गए। ऑनेस्ट स्टेटस अपडेट। हम जैसे फालतू लोग रूट भी जाए तो कोई मनाने नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है, टू गुड। मतलब इसमें हंसते हंसते आंसू आ सकते हैं। जैसे फालतू लोग जाए तो कोई मनाने नहीं आता। सर आई लाइक व्हेन योर डेस्परेशन हैज सेल्फ डेप्रिकेशन, इट बिकम्स क्यूट। सर ये मैसेज इतना ही किसके आगे भी है, इतना ही है ये मुझे। हाँ मुझे उसका वो ब्लॉक्ड है। आपका मैसेज सेंड भी नहीं हुआ है। ओ हाँ, डिलीवर नहीं हुआ। बात सुनो आयशा। हाँ बोलो। यार वो पूछना था हमारे किड्स कब होंगे। अपनी औकात में वे समझा, मिड्स नॉट किड्स। It's an unfortunate error here. सर पाकिस्तान में बच्चे की बहुत कंसर्न हो रही है आजकल, नहीं सभी के सभी बच्चों के बारे में काफी लेके। आपकी वॉइस सुनी है। मिड्स में समझा नहीं, सॉरी सॉरी। मिड सेमेस्टर एग्जाम। अरे यार हाँ हाँ अच्छा। गोपाल सर आपने प्रोफेसर का रोल इतनी बार किया है ना अभी, क्या भूल गए हो कि एग्जाम देना भी होता है। Mids, okay. आपकी वॉइस सुननी है, वॉइस नोट सेंड कर दे। काश मैं कर सकता ऐसा, गूंगी हूं मैं। कर सकती। मजाक कर ना सकती। करो यार आपकी कसम। तो करके वॉइस नोट भेज दो नोट में। प्रायोरिटीज आर करेक्ट, मुझे वॉइस नोट में इंटरेस्ट है, मुझे बच्चों में इंटरेस्ट है। You are, people are debating all the wrong things about these. सर वो आप देख रहे हो, उसको जो चाहिए उसे चाहिए। Correct. वो पीछे नहीं हटेगा। Correct. उसने बोला आवाज सुननी मतलब सुननी चाहिए। Correct. Yeah. Sometimes you want to आवाज सुननी, sometimes you want to आवाज शिया. No? अरे 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 कहाँ चली गई बात? He just wants him to sing, her to sing Border ka song. What song is this? Oh, is Sandeep se aate hai. Sandeep se aate hai. Kya baat hai? Actually, I don't think Border was very appreciated in Pakistan, but sure. Which is why I said it. I'm like, someone needs to take India's stand in this chat, okay? Hi. Galti se ignore kar diya tumne shayad. Koi baat nahi. Hi again. Continuing to that song, मैं वापस आऊंगा। Nee, but no, I genuinely believe in this guy. He's a very right. His approach is very right. He's not approaching someone with ego. He's approaching with love. और ऐसा हो जाता है कई बार, आप मतलब किसी को wish करते हो, hi भेजते हो, वो पता नहीं किस मूड में होते हैं, सो रहे होते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते, तो आप दोबारा फिर चेक कर लें उनके साथ, आप फिर से उनसे बात कर सकते हैं।
कि बहरहाल जो है मैंने आपको कल आया, कहा था आपने जवाब नहीं दिया, तो मैं एक बार और ट्राई कर लें, ठीक है आपसे पूछ लें आपसे एक बार ना, तो गलती से क्या हुआ जाकर टू मेक एनीथिंग होल एवरीथिंग जस्ट इवन लाइक 100 मैसेजेस आई जस्ट मेड होल सो स्टूपिड. क्रिकेट क्रिकेट में होता है ना बैट्समैन को बेनिफिट ऑफ डाउट, तो ये सामने वाले को सर द प्रॉब्लम है बंदा ये जो भी है ये है शादी मटेरियल, मतलब इसका देखो ना ये एकदम इससे शादी की जा सकती है जो भी है. देखो प्रॉब्लम तब नहीं है, ये सिर्फ येस्टरडे और टुडे की बात हो रही है ना, जब ये एक महीना एक साल हो जाता है ना कि लगता है कि आपने पिछले दो सालों से मुझे गलती से इग्नोर किया है, मैं वापस आ चुका हूँ, दैट्स व्हेन प्रॉब्लम अराइजेस. नो बट आई थिंक ही वाज अ फेयर गाय. यस आई नो यू, I know, I believe it was a mistake and I am hello again. To be honest, I'm not surprised he was ignored. His wallpaper is Pikachu. पर सारे ब्लू टिक है दोस्तों, मतलब सामने वाले ने पढ़ा देखा तो है इसको सर नहीं सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, पिकाचू वाली बात के बाद मेरे को लग रहा है ये शादी मटेरियल. मैं जितने लड़के देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, है ना, और ऐश्वर्या भी अपनी राय दे कि देखो क्या होता है कि लड़कियों का ना कॉन्फिडेंस और चॉइसेस और सेल्फ एस्टीम है ना, ये ऐसे थोड़ा ऐसे होता रहता है, तो अपनी ट्राई ना रोके, आप लगे रहे, पिकाचू लगाओ चाहे पिकाचू लगाओ चाहे वेरी ट्रू, कंसिस्टेंटली ट्राई करने से एक आध दिन मौका लग ही जाता है. करेक्ट, दिस इज वेरी ट्रू. माय हिस्ट्री ऑफ डेटिंग ये वैसी बात है कि आप अपना कचरा समंदर के किनारे रखते हैं, लो टाइड में अंदर ले लीजिएगा. सुन भाई मैं सुसाइड करने जा रहा हूं. नहीं और रुक मैं आ रहा हूं, अबे बाइक में पेट्रोल ही नहीं है, लेने आ जा. ओके आ रहा हूं. यह दिस इज अ व्हाट्सएप चैट बिटवीन टू पीपल हु डेफिनेटली डोंट वांट टू कमिट सुसाइड गाइस. दे आर बोर्ड. दिस इज अनजाना अनजानी बड़े पाकिस्तान. नहीं मुझे क्या लग रहा है जिस हिसाब से अंग्रेजी की दिक्कत है पाकिस्तान में, सोसाइटी जगह कुछ और कहना चाह रहा हूँ. सुन मैं सी साइड जा रहा हूँ. हबीबी मेरी बीबी बन जाओ. ओके कितना एज है तुम्हारा? 21. पढ़ाई करो. I like it. Rejection. भाई अगर कोई पढ़ाई की बात कर रहा है माशाल्लाह से, है ना, इसको तो अलग से अवार्ड देना चाहिए. वो भी कि लड़की साल की लड़की को पढ़ने को कह रहा है, बहुत बढ़िया है, इन्हें अलग से. What does Habibi mean? Does it mean like beautiful or something? It's like lovely person, dear. Oh, sweet. Did you understand my Habibi? You can start. मुझे लग रहा है ईमेल विद हबीबी ब्ला ब्ला को. अभी तीन दिन बाद आकाश आने वाले. ये बार बार हबीबी क्यों बुला रही है मुझे? तो मैं नहीं आइडिया व्हाई ही शी इज सेइंग दिस. ये द्वेक मेरा ताया कबर सिंह. दिस इज जस्ट जोक अबाउट हिम बीइंग ओल्ड. पर चश्मे अच्छे हैं ना? चश्मे तो आयरन मैन वाले लग रहे हैं बिल्कुल एकदम. रॉबर्ट डाउनी सीनियर. कहाँ जाना है? गुलबर्ग. ओके जा रहा हूं. हमें कौन लेगा फिर? दैट्स इट. ओके दैट्स इट. अस्सलाम वालेकुम. ड्रॉप ऑफ जमशेद रोड. आ रहे ना? सोच रहा हूं. I like it. He's honest. He's honest. This is, I think, yeah, you know, a lot of Uber chat. Pakistani Uber chat, jo hai, wo bahut zyada milti hai Delhi Uber and Ola drivers.
सिक्योर जो तुमको जो बॉम्बे में रहने के बाद जो दिल्ली वापस जाके जो अटैक लगता है ना क्योंकि वहां पे आप ओला बुक यहाँ पे क्या एकदम बिल्कुल नो नॉनसेंस सर्विस है, आप ओला बुक करते हो, आती है, आप बैठते हो, आप निकलते हो, वहाँ फोन आता है, सर कहाँ जाना आप, आप उनको बताते हो मुझे फलाने का जगह, अरे सर गैस ही नहीं है, तो तू क्यों चला रहा है यार, तुम गड़बड़ी कर रहे हो इसको, फिर वो पूछते हैं आपसे कैश है कि क्या है, कैश है कि ओला ओला पे है, ओला पे ओला मनी है कि कैश है, तो आप उनको बोल दो कि ओला मनी है, तो फिर आपको फोन नहीं उठाते, मतलब जाने का सिनेरियो एक ही है, हाँ, नहीं जाने के सारे हैं। अलग सिनेरियो कि मुझे भी उधर ही जाना हाँ, 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 अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कहाँ जाना है अंकल, इस्लामिक यूनि जानक की जाना अंकल अनलक भाई अरे सबने अंकल की स्पेलिंग गलत लिखी है, अनलक अंकल अनलक्स की ठीक है यार, कम्युनिटी इट्स जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन ओके, अंकल वाली फीलिंग कम्युनिकेट हुई, बोलने वाला भी समझ गया, सुनने वाला भी दोनों समझ गए क्या, तब उनके बीच में संपर्क स्थापित हो चुका है, तो हम टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं, देखिए वो आगे भाई पे भी आ गया अगला, हाँ देखिए बेइज्जती कम्युनिकेट हो गई और बेइज्जती महसूस भी हो गई ना, सब दोनों हो गए, That's what's main ये important. अंकल का रिएक्शन देखे फील लाइक अनिल कपूर हैज द ऊपर दिस इज आपको वो याद है वो कैरेक्टर थी कोई शो पे आंटी मत कहो ना yes, वो वाला याद है हम पांच में दिस इज मेल स्वीटी थी स्वीटी नहीं स्वीटी बोलती थी आंटी और उनकी नेबर थी जो आंटी कहना आंटी मत कहो ना ये है सर जो अब नहीं सॉरी जो 15-16 साल के देख रहे हैं ये रेफरेंस है सर मैंने तो ये शो देखा हुआ भी नहीं मुझे तो पता भी नहीं क्या बात कर रहे हो 1972 के शो की बात हो रही है मैंने भी नहीं देखा यस गोपाल हाई फाइव मैंने देखा हम पांच वेरी 94-95 का विद्या बालन का लॉन्च विद्या बालन ने डेब्यू किया था हां एकदम ही बड़े बच्चे पैदा हुए हैं माशाल्लाह से पहला एग्जाम ही 10वीं का दिया है गोपाल सर आप क्या बता सकते हैं कि पिकाचू क्या है oh, shit. Oh, wow. You genuinely don't know? मैंने गोपाल सर ने वो भी नहीं देखा है गोपाल सर सीधा बेब्लेड पे आ गए थे पिकाचू गेम है इतना मुझे पता है गेम है जिसमें बच्चे मर रहे थे रोड रोड पे जाके वो तो यही है दैट इज ब्लू व्हेल वो तो तमिलनाडु के अलावा है रोड पर राइट फॉर जब जब नहीं लोग पोकेमोन को खेलते थे नहीं जा रहे पोकेमोन वाला पोकेमोन वाला दैट इज सर को कल्चरल सर को याद है कि बच्चे रोड पे जाके मर रहे थे गेम का नाम याद नहीं है हां पोकेमोन सॉरी आई हैव अराइव्ड मैं आपकी लोकेशन पे पहुंच गया हूं ओके आरा गेट 3 पे हो कहाँ हो हेलो भाई आ रहे कि नहीं भाई मैं रोटी खाने लग गया हूँ हलीम वाले केवाई के पास बैठा हूँ सारा ढूंढ रहा है यार ये इतना इनफॉर्मल है ना मुझे लग रहा पाकिस्तान में इतना घरेलू कॉर्पोरेट सिस्टम पाकिस्तान में सारे उबर ड्राइवर को 1 स्टार मिलता है लेकिन फिर भी वो ठीक है सब बोल रहे हैं हाँ ठीक है सबको 1 मिल रहा है क्योंकि सबको 1 स्टार मिल रहा है ना कोई उनके ऑफिस से कॉल आता है जिस दिन 5 स्टार मिल जाता है तो ऑफिस से फोन आता है कि क्या कर दिया ये क्या था इतना बंदूक तो नहीं लगा दिया उन्होंने कटा ला दिया उनके देसी
जिसको तीन जैसे 3-4 स्टार मिल जाता होगा उसको गवर्नमेंट ही दुबई वही भेज देती होगी सर, वो सीईओ बन जाता है उबर का पाकिस्तान में सीधा जिसको 4 स्टार मिल गया वो सीईओ। दूसरा मुझे कितना सही लग रहा है कि सोसाइटी कितनी बैलेंस्ड है। हाँ आप समझ रहे हैं कि मतलब कस्टमर की भी कोई इज्जत नहीं, कभी तुम सोचो कि अरे कस्टमर भगवान हो यार मैं खाना खा रहा हूँ तुम वही आ ठीक है तेरे को पता है ना अली वाले का खाना भी नहीं स्पेशली अली करके सैवेज बन रहा होगा और यहाँ पे उबर वाला इट्स लाइक अ लॉ ऑफ कर्मा यू नो यार देखिए लॉ ऑफ सैवेज इट हैज टू बी बैलेंस्ड यस। Where you want to go? Meet the cheese Gulberg. मुझे भूख नहीं है, आप जा सकती है। Oh my God. आया बस ओके जी 10 तक गिनती गिनो जब तक आ जाऊंगा। I'm here. 2 मिनट हो गए उसको आके ओके सर कहाँ सर कहाँ चले गए सर कुछ बोले तो सर सर कुछ तो बोले मेरा दिल बैठा जा रहा है ऐसा अगर यहाँ पे एक बार भी हो जाए तो मैं आंसू ही फाइनली आंसू ही निकले मैं इमरजेंसी कांटेक्ट में इसका नंबर डाल दूं मेरे हर सेम मैं बता रहा हूँ ये क्या है ना देखो ये जवान जवान लड़के हैं ठीक है ना जो उबर चला रहे हैं अभी नई नई नौकरी लगी और वो करते हैं बकैती वो कर रहे उनका ऐसे टाइम पास तो होता नहीं ना यंग एनर्जी इनकी ठीक है इनको अभी बाइकों पे इधर उधर व्हीलियां मारनी थी ये चला रहे उबर तो इनसे बर्दाश्त होता नहीं तो ये टाइम पास करते सर कुछ बताइए ना सरकार आई थिंक यही चैट अगर दिल्ली में होता तो क्या होता सर कहाँ जाना है अबे चल गाड़ी में लेके जा रहा हूँ। अच्छा मेरे को क्या लग रहा है हर चैट का ना हर लाइन जाके पाए ऐसा नहीं लग रहा कि शेर की पहली लाइन है अभी सर निकाल दो बस बस अभी दबावा आनी है सर निकाल के कुछ तो बोले मेरा दिल बैठा जा रहा है इसके आगे पूरी गजल बन सकती है सर मैंने एक गजल सुनी है इट वाज इन सरफरोश ओके ऑलराइट एक सेकंड ओके कैंसिल कर दे जब जाना नहीं तो कैंसिल इट प्लीज आई हैव टू बुक अनदर राइट आप तो गले में फिट हो गई हो होना पड़ता है जब आप ऐसे टकर जाते हैं टकरा जाते हैं बड़ी फिल्म हो आप जैसे आप जैसे टकरा जाते हैं बड़ी फिल्म हो आप कितना अच्छा सेंटेंस है ना जब कोई ज्यादा ड्रामा करता है तो ये तो पूरा पिक्चर निकला तू यार ये क्या है फुल बॉलीवुड पाकिस्तान अगर ऊपर से बताऊं नहीं कि उबर के चैट है तो समझ रहे हो ये शुरू के तो कैंसिल करने के बाद ये नॉर्मल व्हाट्सएप या नॉर्मल पहली बार फेसबुक पे आप लड़की को हाय बोल के चैट नहीं शुरू करते वैसा लग रहा है वैसी चैट है एकदम भाई किधर है पेट्रोल भरवा रहा हूँ आया बस भरवा आ जा जल्दी तू होगा भरवा इसकी गलती ये हो गई कि इसने स्पेलिंग बराबर लिख दिया यार क्योंकि भरवा और भरवा में सिर्फ एक का फर्क है पेट्रोल भरवा कर आजा किधर जाना है आपने मैं नहीं बता रहा आप कैंसिल कर देंगे आप खुद ही करो रियल चैट ओके नेट ऑफ करके सो जाओ अब हाँ ठीक है मुझे भरोसा नहीं है तुम नेट ऑफ करके स्क्रीनशॉट भेजो ये वो लौंडा है जो ब्लॉक होना चाहिए ये जो भी लड़की ये ब्लॉक होना चाहिए ये इनसे मुझे प्रॉब्लम ये एक पिटीशन दायर करो कैंसिल करो इन्हें गोपाल सर व्हाई डज इट फील लाइक यू हैव सेड समथिंग लाइक दिस हाँ मैं पता है मेरे मन में ये आ रहा था कि इसमें गलत क्या है ओह गॉड
अभी पागल थी क्या पिछले जन्म में? अरे वो लड़की है, हाँ वो बनती है जो करवा ली है तो गोपाल सर, मुझे इसीलिए ना, मुझे इसीलिए जो है सुमुखी का शो बहुत पसंद है, क्योंकि ये वाली बातें ना कोई मानता नहीं है, बताता नहीं है, ये बाहर नहीं आ रही है ये सब बातें बाहर, ये किसके इम्पॉसिबल टास्क करिए ना ऐश्वर्या, ऐश्वर्या इज टेकिंग दिस मेंटल ऑन, नो ऐश्वर्या प्लीज कीप योर क्रेजी पब्लिक, आई डोंट इवन केयर, एज लॉन्ग एज माय फॉलोअर्स इंक्रीज आई विल बी द डंबेस्ट बिच आउट देयर, ऑल राइट गाइस, आई डोंट थिंक माय ग्रैंडपा इज गोइंग टू मेक इट, व्हाट इज ही मेकिंग? ये बंदा दादाजी को दो तीन घंटे छोड़ के गया है उसके पास मारने उसको, दादाजी आप ना प्लीज मैं एक बार आप अपना ऑक्सीजन लेते रहे ना, मैं आता हूँ जरा, ये इतना डार्क है कि इसने बैकग्राउंड भी ब्लैक रखा हुआ है जो गिविंग बादशाह, थैंक यू जनता, प्री रिकॉर्ड नहीं है, मैं चैट इसलिए ज्यादा देखने आता क्योंकि हम फ्लो में आ गए थे, हम इधर ही है, आगे बढ़ते, कैन आई हैव यू फॉर इफ्तार, आई मीन कैन वी हैव इफ्तार, माय बैड, आई स्टफ गोरिल्ला ऑटो करेक्ट, रिवर्स ऑटो करेक्ट, आई लाइक हाउ ही थिंक्स अस्टफ गोरिल्ला ऑटो करेक्टेड टू कैन वी हैव इफ्तार, मेरे को अभी लग रहा है कि इफ्तार भी बोलना नहीं आता, ये अफेयर बोलना आता ना, गलती से इफ्तार लिख दिया गया ऐसा लग रहा है ना, हाय अस्तगफुरुल्लाह की स्पेलिंग भी गलत लिखी उसने भाई, उसका ही ऑटो करेक्ट, मतलब तौबा तौबा ऑटो करेक्ट हो गया उसका, ओ माय गॉड अस्तगफुरुल्लाह, ओ दैट्स व्हाट इट मींस, ओ नो इट डजंट मीन, वो भी गलत लिखी, देन व्हाट इज ये, क्या है ये वर्ड क्या है, ये क्या है अस्ताफ गुरेला, मेरे को अस्ताफ गुरेला मतलब तौबा तौबा, कह रहे गलती हो गई, सॉरी सॉरी सर, अच्छा ओह मतलब वो भी गलत ही लिखा है, वो वर्ड भी गलत है उस वर्ड, डूड सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस मुस्लिम, आई डोंट वांट टू इवन, आई विल से दैट्स रॉन्ग बट बिकॉज़ जाकिर इज हियर आई डिडंट वांट टू लाइक मुस्लिम प्लेस दिस, आपको नहीं लग रहा गलत है? नहीं मेरे को लग रहा है, इसलिए तो मैं बोल रही थी कि मुझे लगा कि गलत है, बट आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, लाइक जाकिर के होते हैं मैं कैसे बोल सकती हूँ, अरे नहीं 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 भाई बिल्कुल बोलो, तुम भी तो बोलो कभी, तुम लोग भी कुछ कह के देखो, हाय हाय मुझे आपसे एक बात पूछनी, आपके डिम्पल में तो पानी खड़ा होता हो जाता होगा ना, ओहो और ये बात, ये नवंबर से ये बात गले में अटकी पड़ी थी यार, दो महीने ये रुका था कि ये एक चूतिया सवाल पूछ दूं एक बार, उसको इतना मुझे समझ लग गया ना, अरे डिंपल गड्ढा होता है ना, अरे ये डिंपल पानी रुक जाता होगा, जैसे गड्ढे में पानी भर जाता, पानी वैसा रुक जाता होगा, मेरे को लगा खारा हो जाता होगा, नहीं खड़ा 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 खड़ा, पर कितना, अगेन आई विल अगेन आई वुड लाइक टू रीट्रेट दिस गाइस, दिस इज आल्सो नॉट रॉन्ग, ये आई थिंक शुरुआत एक डाउट के साथ शुरुआत करना काफी कॉमन टेक्निक हो गया है, सुनिए एक बात पूछनी थी, फॉर्मेट पहले वो हाई से चालू करते हैं, फिर जब वो नहीं चलता है तो देन दे कम अप विद अ ट्रिक, हां कि एक सवाल पूछ ले, सवाल का जवाब तो देना ही होगा, 2-3 महीने बाद, हां 2-3 महीने बाद, और सवाल भी स्पेसिफिक है, वो क्या नाम, मेरे पास तो है नहीं टिंपल और आसपास भी किसी का था नहीं, नोटिस किया आपके तो है, नहीं नहीं बात ये कि डिंपल बहुत क्यूट है, उसी पे कोई कॉम्प्लीमेंट देना है ना, आप कॉम्प्लीमेंट सब लोग कहते हैं आपके डिंपल बहुत क्यूट है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता, पर उसी बात को जरा थोड़े से अलग अंदाज, एक साइंटिफिक डाउट पूछ लूं तो कुछ मैं अलग अलग लगूंगा उन लोगों से, ये तो कॉम्प्लीमेंट ही है कि आपके डिंपल बहुत बहुत गहरे, कहने का मतलब ये कि डिंपल कितने गहरे हैं आपके, सर ना यू हैव डिंपल ना, no I don't know when I smile it's just my cheek fat just rolls into each other so they form a dimple, oh, I think na. That's what dimples are called, kisi ne dhyan nahi diya par mere hai, oh oh
आपके डिंपल में तो पानी खराब हो जाता पानी खराब हो जाता है। अच्छा और सुनाओ क्या हो रहा है। हेलो हेलो किसके साथ बिजी हो? ओके फाइन खुश रहो अब उसी के साथ, बाय फॉरएवर। वाओ दिस इज क्लासिक दैट एस्केलेटेड। या मेरे को पता नहीं कि ये लोग रिलेशनशिप में है कि ये वन साइडेड लव चल रहा है, लाइक व्हाट इज द इक्वेशन हियर सर? ये आपको कैसे डाउट है इसमें, रिलेशनशिप किधर है? मुझे तो मुझे ये लग रहा है कि किसी को भेजा है। आई थिंक आई हैव टू स्पीक टू आकाश टू टेल हिम कि ऐसे नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुझे मुझे तो ये डाउट है ये इसने किसी को भेजा भी है या नोटपैड पे लिखा है, क्योंकि काम पे थे भाई। नहीं क्योंकि शायद ये किसके साथ बिजी हो ये थोड़ा मतलब अगर आप जानते भी नहीं हो किसको तो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन नहीं हो गया? नहीं नहीं ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे सर आई वुड लाइक अगेन लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल गाइस एंड गर्ल्स हु आर फॉलिंग इन लव कि जैसे तुम्हें अगर जाना है जिंदगी में तो जाओ, ठीक है? ये ओके बाय फॉरएवर ये सब मत करो, ठीक है? इफ यू वांट टू रियली ये सब अटेंशन सीकिंग हरकतें हैं, आई एम गोइंग फलाना डिमका ये सब, कोई कहीं नहीं जा रहा है। देखो मैं जा रहा हूँ, देखो मैं चला जाऊंगा, जाने वाला आज तक रूल लिख के ले लीजिए जो बोला है वो कभी गया नहीं है। नो और अगर बाय फॉरएवर बोलने की नौबत आई तो दूसरी तरफ से थैंक गॉड ही रिप्लाई आने वाला है, बाय फॉरएवर मत बोलना। Someone has sent these messages and the other person has taken a screenshot. ये खुद से नहीं लिया है तुमने, वो दूसरे इंसान ने लिया है. So you can imagine the response to buy forever. सामने वाला सोच रहा है कोई जाए तो ले जाए मेरी लाख दुआएं. यार एक और है. ओह यार नारा तू बांधने नहीं देती वॉशरूम में था. Turns out we're all wrong. ये relationship में ही थे. Oh. ऐसा दूसरा तो हरभजन ने भी नहीं डाला आज तक तो. दूसरा यार तुम इनके relationship के बीच नाड़ा आ गया. नहीं और हमें तुम relationship के बीच में नाड़ा घुसाओगी तो कैसे चलेगा? और हमारे you guys get this reference? तो relationship था पहली बात तो ये. दूसरा मतलब अच्छा सुनो क्या कर रहे हो उससे तो जो हेलो किसके साथ हो और ये मतलब दिस इज अ साइन ऑफ फॉलिंग रिलेशनशिप आई और अब इसका मतलब कितना बदल गया किसके साथ हो और किसके साथ हो और अगला बोल रहा है कि अरे नाड़ा तो बांधने दो बता रहा हूं पूरा यार वो क्वेश्चन मार्क और हेलो के बीच में ना टाइम गुजरा है बिकॉज़ यू कैन सी सम गैप बिटवीन इट इतना टाइम तो नहीं लगता है नाड़ा बांधने में सो आई वुड लाइक टू ऐश्वर्या नो यू कैन नॉट सेंड दीस मैसेजेस टू आंकल प्लीज अच्छा वो क्या को पहले लग रहा था लौंडा है देखो गैप है बीच में माँ की साड़ी घुसेड़ा नहीं पता किसी को नहीं पता ओके आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स आई थिंक बात करने से पहले सभी स्ट्रेंजर्स होते हैं इवन अम्मी को भी बात करने के बाद ही पहचाना था ना गुड पॉइंट या इट्स लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही बढ़िया है ये इफ समवन गिव्स मी दिस ना देन आई विल टॉक टू देम आई एम लाइक तुम्हारा बनता है यार तुम यू आर गिविंग मी लॉजिकल रीजनिंग नॉट लाइक हट और भाग और सम क्रैप लाइक दैट या आई एम इंडिपेंडेंट थिंकर यू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद माय अप्रोच एंड आई विल फिक्स इट जान जी जान मेरे लिए एक रिश्ता आया है व्हाट फिर अपना व्हाट पर आपने मना कर दिया ना जान मुझे उसमें आप दिखे तो मैंने हाँ कर दिया तुझ में रब दिखता हाउ टू रिजेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट समवन एट सेम टाइम दिस इज तुझ में सब दिखता है सब में तू दिखता है उसमें सब दिखता है व्हाट टाइम डू यू वेक अप 6 o'clock
गुड मॉर्निंग अपॉइंटमेंट लेके एफर्ट 101 Yeah, exactly. And the thing is, after 6 o'clock, he didn't say anything. He was not like, okay, good night, I'll talk to you tomorrow, nothing. He just came at 6 o'clock with a good morning. Yeah. That's what, like, good morning is wo wala heart. हाँ. और ये कैसे पता चल रहा वो he है और she है? Fair. हाँ, वो भी है, वो भी है. That's true. That's true. पर ये shouldn't I be the one making that point? पर ये देखो ना, 6 बजे मैसेज आया और जिस बंदे को ये मैसेज या जिस बंदे को ये मैसेज मिला, उन्होंने इतने चौक गए कि उन्होंने सीधा स्क्रीनशॉट ले लिया कि मैं जो उसने असली में मैसेज किया है. और दूसरी तरफ मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअली 6 बजे उठे नहीं, ये वो ऑटो मैसेज या स्केड्यूल कर सकते हो आप मैसेज, उसका कुछ नहीं कर सकते. आपको कैसे पता इंस्टा पे ये मैंने बहुत ट्राई करा है, सब ट्राई कर लिया मैंने, ठीक है. ये अरे या कोई बड़ी बात नहीं, ये करके सोया भी है कि 6 बजे तक जागा है और गुड बोल के सो रहा है. वो भी हो सकता है. टू गुड. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये पीटी टीचर है या ये किसी स्कूल में पीटी टीचर है. गोपाल भाई कहां से लेके आते हैं पीटी टीचर. इकरा टू मोहम्मद अमर, थैंक यू सो मच. अमर, थैंक यू सो मच बोलने के लिए, थैंक्स. इट्स लाइक इट्स जस्ट लाइक ही जस्ट वांटेड टू से कि प्लीज 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 कॉन्वर्सेशन एंड मत करो ना प्लीज. आपके थैंक्स के लिए थैंक्स. ये नेवर एंडिंग है. ये कोई वीडियो आया बेटा? हां हां, मूवी बना. गॉडज़िला है. This is from a news channel in Pakistan. They actually put this in their news. What? Yeah. Uh-huh. I'm not making this. Is not me doing a joke. Huh? This is actually this is a news. Oh, footage. What is this? What happened in Karachi? What is this? What happened in Karachi? Godzilla aa gaya hai samandar se. No, seriously, what happened there? Seriously, Godzilla came out of nowhere and then vanished in the thin air. I don't understand this at all. ये लोग चूतिया बोल कट लोगों का चूतिया कट रहा है. ओके ओके, चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना, थक जाती होगी इग्नोर कर कर के. अरे वाओ, अरे मजा आ गया. जाते जाते भी कंसर्न, आई लाइक इट. अरे रे रे, ये वही है कि हंसी के साथ आंसू आ जाए आपके. इस लड़के की मजार पे दुरूद शरीफ पढ़ी जाए. मेरे शादी मेरे कजन से हो रही है यार, क्या मतलब ये क्या है? लेकिन मैं अपने बेटी का नाम हमजा रखूंगी, उसमें तुम्हें देखूंगी, वो फिर मुझे आपकी याद दिलाएगा. यू नो व्हाट आई लव इन दिस, कि ये मैसेज को उसने सैड रिएक्ट दिया यहाँ पे. इन दैट मोमेंट ही उसने इस पे रिएक्ट कर लेते. आगे बढ़ते. मैंने निकाह में आपकी ही दी हुई रिंग भी पहनी हुई थी. ओ याद है जो फर्स्ट एनिवर्सरी पे आपने रिंग दी थी, याद है ना, वही पहन. आई वुड लाइक टू एड्रेस हाउ नन ऑफ अस एड्रेस द होल शी गेटिंग मैरिड टू हर कजन थिंग, बिकॉज़ वी हां ये तो पाकिस्तान में होता है, ये कोई बात नहीं करेगा इस बारे में. कजन वाली तो ठीक है. आल्सो देयर इज डाउट ऑफ इट्स सीरियसनेस. आई थिंक इट माइट हैव बीन मेड अप आल्सो, हु नोस. हां, और मतलब ये तो क्या ही वो हुआ कि बस अपने बच्चे का नाम मेरे पे रख देना, मेरे को और कोई स्ट्रेस नहीं. हार्ट इमोजी मंकी आई हार्ट बॉयफ्रेंड है आपका? हाँ. श्योर ही विल से समथिंग सैवेज नाउ, समथिंग डू ही से. सेटअप सेटअप. हाँ, तो उसके साथ करना जाके चुतिया पा. दिल नहीं रग रहा, निकाला क्यों था? ये बहुत पोएटिक है भाई. इसमें एक्चुअली बहुत डेप्थ है.
बहुत डेप्थ है इसमें, दिल नहीं लग रहा, निकाला सही पकड़ लेते हैं। हाँ, serves you right for thinking the world will do right by your dil. There's a less deeper lesson here. Aishwarya, I'm talking about you. Oh, you, what? Sorry, huh? Nothing. इतने चूतिये किस्म के मसले हैं, किसी को बताने का दिल भी नहीं कर रहा। यार मसले सच अ ब्यूटीफुल वर्ड यार। या आई लव मसले। मसले मसाला मसाला ये कुछ मसाला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। इतने चूतिये किस्म के मसले किसी को बताने का दिल भी नहीं कर रहा। क्या सॉर्टेड इंसान है, पर समझ रहा है कि उसको पता है कि मेरे मसले चूतिया, मेरे मसले चूतिया, दूसरा मेरा इतने ज्यादा चूतिया है कि बताने का दिल भी नहीं कर रहा। उसके स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई है, जो भी है इसके स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई है। लाइक सुनो, कोई ढंग का हो तो बोले भी। हाँ। चूतिये मसले क्या बोले लोग। अच्छे मसले जब आएंगे तब वी शैल टॉक अगेन। But they're so self-aware ना कि चूतिये मसले है, और फिर वो इंसान भी बोल रहा है कि इतना फालतू इंसान हूँ कि रूट भी जाए तो मनाने का मन भी नहीं क्या सही है, सब कुछ पता ही है। पाकिस्तान में गिव अप कल्चर बहुत हाई है ना, एकदम ही मतलब छोड़ ही दो यार, डील ही नहीं करता है। पर गिव अप कल्चर के अलावा देखिए नहीं सर, उनका कंसिस्टेंसी भी, परसिस्टेंस भी बहुत है उनमें, और अवेयरनेस भी बहुत है। That's true. It's... कि नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ो, है ना? पर कोशिश करने में क्या जाता है कि एटीट्यूड का जो बैलेंस है माशाल्लाह से काफी बैलेंस्ड balance flirting में कहूंगा। देखो सर, to be honest, अगर कोई लिख देना ऐसे इतने चूते किस्म के मसले, फिर मेरे को जानना है कि क्या हुआ है। मुझे तू बता दो, तू बोल रहा है भाई। मुझे ये मेरी स्टेटस रखनी है WhatsApp पे, परमानेंट स्टेटस रखनी है। हाँ मसले बताने का दिल भी नहीं कर रहा है। गोपाल सर, आर यू ओके? इसको ढूंढ के ट्वीट रिट्वीट करना पड़ेगा इसका। गोपाल सर, बहुत ही बार। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो आप? हेलो। नहीं, मैं एक मिनट एडजस्ट कर रहा हूँ कुछ, जस्ट अ सेकंड। हाँ ओके ओके, यस आई एम सॉर्टेड नाउ, नो वरीज, जस्ट आस्किंग। यस गोपाल, गोपाल जी बोल रहे हैं, अरे ऐसे मसले हैं कि क्या। मेरे साथ एग्जैक्टली वही हो गया, इतने चूतिये के मसले कि बताने का दिल। क्योंकि मेरा बैटरी लो होने लगा था, तो मैंने चार्जर वार्जर लगा के मसला गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओके ओके, रोना आ रहा है मुझे, क्यों बे? पता नहीं, एक तो मुझे हर बात पे रोना आ जाता है, इंडस रिवर कई की। यार इससे सेल्फ अवेयर तो नहीं होना चाहिए यार लोगों को, कि तुम सामने से ट्रोल भी ना कर पाओ, कुछ करके निकल जाते हैं। सेल्फ अवेयर और ऑनेस्ट, मतलब सामने वाले को बताना भी तो अंदर से वो कि ये वो है कि यार बैड तन में, बैड तन में। एक तो मुझे हर बात पे रोना आ जाता है, छी यार। इंडस रिवर कहीं की प्यारा है, इंडस रिवर बहुत ही प्यारा है, बनती रहती है जो हर बार। शुक्र है उन्हें खोलने वाली है, अब हम फिर से साथ साथ शुक्र है यूनी खुलने वाली है, अब हम फिर से साथ साथ। कब ओपन हो रही है? फेब में, 20th जनवरी को मेरी एंगेजमेंट है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे चैट्स अपने आप में शॉर्ट फिल्म्स हैं। और फिल्म का नाम है चूतिये मसले। ओके। नहीं नहीं, उसने पहले पूछा, उसने पहले कंफर्म किया कि तू कब मिल रहा मिल रही है, पहले तो ये डिसाइड कर फेब में क्या, अगर वो मार्च में होता तो बोलता 28 फेब। उसको बस यूनिवर्सिटी में इसकी शक्ल नहीं देखनी है। एंगेजमेंट भी कोई जरूरी नहीं कि हो रही हो। बंदा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, बंदा बंदी जो भी है यार, सॉरी दोस्त। हेलो, हाय जी, बताइए।
उसने मैसेज किया था। पहली बार किसी ने सही में सारे स्पेलिंग करेक्ट लिखे हैं दोनों ने, इनको बात कर लेनी चाहिए कभी। पर वो ओवर ओवर स्मार्ट हरकत कर रहा है, आगे से आए लिख के कह रहा है जी बताइए। How long was your first relationship for? One sided tha, abhi tak chal raha hai. Are wah. Good answer. Are wah. Din raat sirf tumse hi baat karta hoon. Seconds mein tumhe reply deta hoon. Tumhari nazar mein kya hoon main? फरीग। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या बाबू? फरीग, फरीग फ्री, फ्री। अच्छा फरीग का वो है, फरीग, फरीग। अच्छा फरीग है ये। हां ये टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास भाई। इसके लिए वेला, वेला जिसको कहते हैं। हां वेला, वेला। अच्छा पाकिस्तान में वेला को फरीग कहते हैं। फरीग फरीग मतलब मुझे फ्री करते, फरीग करते मुझे। अच्छा फरीग पे फरीग। Is that it? All right. ये last वाला था। बढ़िया भाई। बहुत सही। एक second, exit shoot कर लेते हैं। मजा आया भाई ऐश्वर्या? बहुत सही यार। ये बहुत सही। तो भाई जाके मनोज को थोड़ा प्यार दे दो। कैसा लगा जेंटलमैन एंड लेडीज, वाज इट एंजॉयबल? बेस्ट सर, मेरे को तो बहुत पसंद है। मेरे को पाकिस्तानी लोग ही बहुत पसंद है, ये बेस्ट है यार। उनसे बेटर humor, self-awareness, beauty, everything. Persistence. Honestly. Spellings. Gopal sir, क्या बोल रहे हैं? जाकिर क्या बोल रहा था? मैं कह रहा था कि ये इतना बढ़िया मुझे लगता है कि प्लस आपको ये भी पता है कि उस तरफ के लोग भी जो है ना वो भी इतने आरामी है ना। करेक्ट। उनकी चैट और हमारी चैट में ये फर्क है कि जो हमारे दिल में होता है वो चैट उनकी वहाँ चैट में होता है। करना कहना हम भी यही चाहते हैं कि यार तुम्हारे डिम्पलों में खड़े हो रहे, पर हम कहते नहीं, वो कह दे रहे हैं उनका, उनकी अवेयरनेस को यहाँ पे दाद दी जाए। मेरे ख्याल से बड़प्पन ने अपनी अपने आप को मान लेने का। On that note, friends, thank you so much for joining. Thank you so much, Cider OP, for making your debut. Milte hai jald hi on the next episode. Goodbye. All right, thank you. Thank you, yaar. Maza aa gaya. Maza aa gaya. Bye, guys. Bye, bye, bye. Ek minute, main chat ko bye bol raha hu. Aap log ko nahi. Chat ko bye bol raha hu. Chat bye. Okay.